लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में नेताओं के बेतुके बयान भी सामने आ रहे हैं। अपने बेतुके बयानों से आए दिन चर्चा में रहने वाले बीजेपी के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का एक और वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो करीब 2 महीने पहले बुलंदशहर के गुलावटी गांव का बताया जा रहा है, जिसमें मंत्री जी खुद को वोट देकर सांसद और मंत्री बनाए जाने पर मतदाताओं से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सांसद और मंत्री बनाया है तो अब इसकी सजा भुगतो। वायरल वीडियो में डॉक्टर महेश शर्मा कहते दिख रहे हैं कि मेरा नाम डॉक्टर महेश अग्रवाल है और मैं व्यापारी हूं। आपने उस औकात से ऊपर उठाकर मुझे एमपी बना दिया, एमपी के बाद आपने मुझे मंत्री बना दिया, ये गलती आपसे हो गई, अब इस गलती की सजा भुगतो। आपने मुझे उस औकात से ऊपर उठा के मुझे एमपी बना दिया, एमपी के बाद आपने मुझे मंत्री बना दिया, ये गलती आपसे हो गई, अब इस गलती की सजा भुगतो। चलिए सीधे बुलंदशहर रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता मोहित गौमत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इस बयान को मोहित किस तरीके से लिया जाए, किस तरह की सजा भुगती जाए, क्या ये बयान ये भी कहता है कि महेश शर्मा ने काम नहीं किया या फिर लोग उनसे नाराज हैं और उसी की सजा भुगतने की बात महेश शर्मा कह रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात बयानबाजी की जाए और वीडियो की जाए तो ये पहला वीडियो वायरल नहीं हुआ। इससे पहले लगातार 3 वीडियो वायरल हो चुके हैं महेश शर्मा के, और महेश शर्मा के लिए जो आम जनता है, उनके वोटर हैं, वो उस कदम नाराजगी है कि वो उनसे बेहद नाराज हैं। 5 सालों में उनका साफ कहना है कि महेश शर्मा ने कभी उनके दुख दर्द को नहीं जाना, कभी उनके विकास कार्यों के लिए आगे बात नहीं की, कभी उनकी परेशानियों का कोई सामना नहीं किया। लगातार वो मंत्री बनने के बाद अपने विदेशी दौरे करते रहे, ये थे पूरा मामला था जिसमें व्यापारी अपनी नाराजगी जता रहे थे, लेकिन नाराजगी जताने के बावजूद महेश शर्मा ने बेवाबिकी होकर एकदम अपना बयान दिया। इसमें कहा कि ये तुम लोगों की गलती है, तुमने मुझे जिताकर सांसद बनाया, सांसद बनाने के बाद में तुमने मुझे मंत्री बना दिया और इसकी सजा तुम्हें खुद भुगतनी होगी, और अगर वो विकास कार्य मैं नहीं करवा पाता हूँ तो बताइए मेरी क्या गलती है, जब मैं व्यस्त रहता हूँ तो आप लोग बीच नहीं आ पाता, ये सब आप ही की गलती है। जी यानी अपनी गलती वो लोगों पर डालते हुए नजर आए? जी बिल्कुल साफ देखा जा रहा है कि वो अपनी गलती वो खुद ये मानने को तैयार नहीं है कि जहां वो पिछले 5 साल में अपनी जनता को, अपने वोटर्स को टाइम नहीं दे पाए थे, उसके लिए उन्होंने खुद ही वोटर्स को उन्होंने पूरा दागी बना दिया। उनको कहना था कि अगर आप मुझे जिताकर संसद ना भेजते तो मैं आप लोगों के बीच पूरे 20 साल रहता और आप लोग कहीं जिस तरह के काम थे वो करते। मोहित किन लोगों के बीच नजर आ रहे हैं महेश शर्मा जब उन्होंने ये बयान दिया? ये जो बयान इसका वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो लगभग अब से 1 से 1.5 महीने पहले पुराना माना जा रहा है। ये जिस समय महेश शर्मा को गुलाबी के व्यापारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए अपने बीच बुलाया था और महेश शर्मा वहां मौजूद थे, उसी समय का ये वीडियो है जिसमें एक व्यापारी है जो बड़ी नाराजगी के साथ शिकायतें महेश शर्मा को गिनवा रहा है और महेश शर्मा का साफ साफ कहना है कि वो हालांकि जो वहां बैठे हैं तो अग्रवाल जाति से भी हैं लेकिन जन्म उन्होंने ब्राह्मण जाति में लिया है और कर्म जो है उनका शूद्र का है, लेकिन पूरी तरीके से उन्होंने सिरे से जो उनकी नाराजगी थी वोटरों की उसको खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी गलती थी, तुम लोगों ने मुझे जिताया है और इसी वजह से मैं तुम लोगों के बीच। बिल्कुल मोहित, अब देखना होगा खुद बीजेपी इस वायरल वीडियो पर किस तरीके से रिएक्ट करती है और विरोधी दल भी इसे किस नजरिए से देखते हैं। शुक्रिया मोहित ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो डॉक्टर महेश शर्मा का 2 महीने पहले का वीडियो, व्यापारियों के साथ जब मुलाकात कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि मुझे सांसद बनाया है, मंत्री बनाया है, अब इसकी जो सजा है वो खुद ही भुगतो।